आज लाइव आवे के कारण मन बड़ा दुखित दोस्त लोग बहुत उदास मन में बहुत तरह तरह के बात समा बा, दुख के कारण होली के दिन मधुबनी में भल हादसा मन में बहुत तकलीफ बा सबसे पहले तो हमारा लाइफ देख रहा है सभी गार्जियन लोग के पैर छू के प्रणाम बा दोस्त नौजवान साथी लोग के बहुत बहुत प्यार बा लाइव आवे के ना चाहत नहीं हम लेकिन का कर मनवे ना मानेला बिना कहले और बिना कुछ सुनले दुचार चार गो कहे के मन करेला दुचार चार गो सुने के मन करेला। लाइव एक हाथी आई बनी कि कुछ बात के जानकारी दौरा लोग के देवे के बाद लाइव के मेन मकसद जोन बा मधुबनी में छो राजपूत के राजपूत जाति के लोग के हत्या कर देवल तो छोट छोट लड़का लोग के जब मुंह वीडियो में देखनी हन जब ऊ लोग रोवल देखनी हाथी हती, -हती लड़का जब उतरी पहन ले हन सन तो माथा गरम हो गई कुछ छन खातिर खून खौल गये अपना आप के आपके ना पावत नहीं बहुत बार लोग नहीं की हम बहुत बड़का आदमी नहीं की हम लेकिन मन में दुख बा, बातिर खातिर बा जे लाइक बा, आखिर काहे चुप लोग बिहार में अड़सठ गो राजपूत के विधायक लोग चौदह गो सांसद बालो वो परिवार के लगे किनहु जाना ना जाके आलो समाचार पूछलक ह हमरा हमारा सारण में तीन तीन गो राजपूत के एमपी पी ये लोग मधुबनी ना हलो वो परिवार से ना मिलल लोग वोट लो। के राजनीति लोग इंसान के, लो। के राजनीति नहीं कर हो। खून बह ग लोग मर लोग को इो नहीं के याद धन्यवाणी सन हमनी के स्वर्ण समाज के लोग नार उरा लोग इकट्ठा होना केहू के ठंग के से देनी लोग दशा से ज़्यादा दशा होई चिंता मत करी लोगी अभी तो शुरुआत शुरुआत भ एहू से ज्यादा दिन खराब होके वाला बा लोग वोट इन भाजपा के भाजपा के एगो स्वर्ण के मंत्री जाके परिवार ना मिलल हलो वो लोग के सुख दुख में ना बैठल हलो ना उठल हलो हमारा राजद पार्टी के भी लोग जब बिहार में विधायक लोग अलक हो उ लोग ना मिले गए जान काहे डरे कि दलित महादलित के वोट जन भेटाई जान तो। जान चल गई वोट के चिंता बहुत बा हम मधुबनी के आग ना बुझे देम पूरा बिहार के राजपूत जाति स्वर्ण समाज के लोग के कहे के समय आ गई इकट्ठा हो जा लोग जगह जगह जौन बट के एक दूसरा के खाया चबाया ला काम करता नहीं लोगी समाप्त करेला तो आज हमार बारी बागकाल रउो बारी रही सारा लोग इकट्ठा हो चुकल बा लेकिन स्वर्ण समाज के लोग इकट्ठा ना हो सकेला कहियो इकट्ठा ना हो सकेला लोग एक एक करके सब लोग कटा जायी कुछ लोग भाजपा के गुण गावता कुछ लोग राजद के गुण गावता कुछ लोग जदयू के गावता लेकिन वो मधुबनी में जाके एक आदमी भी वो परिवार से ना मिलल है ना जांच के मांग कैलक है न्याय प्रक्रिया के मांग कलक है न केहू सी बी आई के जांच खातिर कहलक केहू कुछ ना कहलक मधुबनी के वो बच्चा लोग के बिहार के वो सांसद लोग धन्यवाद लोग स्वर्ण समाज के लोग के वो परिवार के लोग के आज देखत हुई सांसद एम पी साहेब लोग विधायक जी लोग कैसन दिन आ गई लोग कि लैका हथियार उठा लेलन सन लोग हथियार उठा लल आखिर जन छह गो राजपूत के लड़का मरेल हन सन अगर वो परिवार के न्याय नहीं खे मिलत परिवार के सहारा नहीं खे मिलत तो का कर अगर बाल बच्चा हथियार उठा के अगर कोनो सेना ही बना के अगर अपन बदला ले लेल ते का गलती करी कोनो गलती ना करी हरा नजर में हरा नजर में कोनो गलती ना करी हती हती लड़का के बाल बच्चा बिलुक के मर गएन सन वह में एगो फौजी भी छो हेस के, के लड़ाई लड़त एगो क्रिकेट प्लेयर भी रहक हा जे खेला रलक तो सब लोग के हत्या कर देवल गई के दिन गरीब लोग बाह से रुआ लोग देखे नही जा। जात यही कोनो स्वर्ण के कोनो बड़का नेता मरायल हो लाइन से काफिला लाग जाय कभी हई दल के लोग आई तो कभी हऊ दल का हमारा सारने में रूपेश कुमार जी के हत्या बन लक स्वर्ण समाज से हवन हाँ कभी कभी हई एम पी तो कभी हई विधायक तो कभी हऊ एम पी तो कभी हाउ विधायक तो कभी ऊपर दुआरी पर लागत रहे कि खाली लोग के काफिला जुटल बटे लेकिन वो गरीब परिवार के देखे खातिर एगो विधायक के गाड़ी तक ना गये एगो सांसद के गाड़ी तक मा गईस दशा है रहे अब तुलना करी लोग हमारे बाबूजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू से तुलना करी लोग आनंद मोहन सिंह से तुलना करी लोग रघुवंश बाबू से हमने हमने कहा ही है सन, हम कहा है सन सन आजादी के टाइम में जो मान सिंह के रोल रहे आज के बिहार के सांसद राजपूत के एमपी पी विधायक अदा कर रहा बटे अगर लोग में दम बात क्यों से आंख में लाज बा तो कम से कम अभियो से जाके वो परिवार से मिली लोग वो परिवार के लोग के हाल समाचार पूछी लोगीन वो परिवार के लोग के मुआवजा दिलाई लोगीन वो परिवार के लोग पे सरकार थे निहोरा करके न्याय दिलवाई लोगीन सांसद एमपी पी बलना से होला वोट के समय राजपूत जात को राजपूत के लोग से कहा था निकम राउर जाति के लोग आई जब वोट बीत जाता तो राजपूत मारा जाता डरे नहीं खींचा लोगीन दुख बटे बहुत दुख बा मन बहुत दुखी बा हम वो लाइक नहीं थी वो लेवल के लड़का नहीं थी हम सांसद विधायक नहीं थी हम अपन आवाज उठा सके नहीं। हम खाली निहोरा कर सके नहीं। हम कुछ ना कह सके नहीं, खाली निहोरा नहीं कर सके नहीं सरकार न्याय दो आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से निहोरा जाके खुद मिले के चाहे और मिल के वो परिवार के न्याय दिलवा के चाहे छो बचा अनाथ हो छ छ गो लड़का अनाथ हो गई लंसन, लंसन। स्वर्ण समाज में रौरे समर्थक ज्यादा बालूक आखिर जाके वो परिवार के न्याय कहे नहीं के दिलवा राजद के लोग काहे न गयल छोट भाई तेजस्वी तो यादव कहे जाके वो परिवार से भेंट ना आखिर काहे न कल बड़ा मन में तकलीफ बा आखिर जाए के चाहे विधानसभा में हर मुद्दा पर आवाज उठाता मधुबनी कांड के बंद कर देवल गई मधुबनी का हत्ता भुला में आग लगावे के काम कई बा अगर आज सरकार चुप हो जाता अगर आज सरकार न्याय नई दे मधुबनी में वनाथ के लड़का सबके न्याय नये मिलत जेकर बाबूजी के साया छीन गई बचपन में जो पढ़े लिखे के दिन रहे खेले कूदे के दिन रहे वो जब बाप कर, के शायद छीन अनाथ हो गह भेंट न करे गई एगो मुआवजा राशि पहुंचल बस केहू पूछे भी ना गये आखिर का है कहा स्वर्ण समाज के लोग बा बाँ वो सब लोग बा स्वर्ण समाज के लोग के इकट्ठा ना हो सके निशंत हमन के भाषा भेष अलग बा यूज होता भाजपा के वोट देके तो होकरा के वोट देके तो होकरा के वोट देके जैया एक होके एक जगह पूरा स्वर्ण समाज के लोग वोट तो निश्चित की। हम बात लेकिन सरकार हमने के जूता हम हो गि गोर तो के चप्पल हो पे थोड़े के रखी मुड़ी के मऊ रही सन तहिया रही सन गोर के चप्पल बानी सन ना भजपे पूछी ना जदुए पूछी ना राजदे पूछी कहे के हम के सब जगह बानी सन के एक जगह हेल देखी सन जब तक हमने के इकट्ठा ना हो होम सन के पूरा स्वर्ण समाज एक ना हो तब तक कोनो फायदा नहीं खे केहू हम के, के पूछे वाला नहीं खे आज जो सोचता कि हम तो एम पी बानी ऊ मरा गई मरा आज आजो परिवार के बारी रहे एक दिन राउर बारी रही याद रखे बिहार में बिहार में स्वर्णों के आवाज उठावे वाला छोट मोट के आरक्षण तो हई पचास गो धानसा सरकार दे रहा बा कतना मिलता स्वर्ण समाज के ये भगवाने जानता रन बहुत मन में तकलीफ बा आखिर मधुबनी में वो राजपूत परिवार के आवाज उठावे वाला लोग काहे नहीं के राजपूत के नेता लोग उठावत स्वर्ण समाज के नेता राजपूत के बाद सीबीआई से जांच कर आखिर मीडिया के लोग मामला ना होला दलित के साथ महादलित के साथ आके मीडिया कैम्प करेला राजपूत के गो लोग मरा गए मीडिया के लोग मर बा का मधुबनी में कैंप नहीं के करत लोग मीडिया बिकाऊ हो चुकल बा मधुबनी में हथरास में वो। अगर बलात्कार होता था घंटों भर कैंप करता लोग लेकिन मधुबनी में काहे नहीं लेके हो आखिर मीडिया के लोग कैंप कहे मीडिया भी देख के काम करा था। ना तो मधुबनी में बड़का बड़का चैनल आला एगो चैनल न्यूज नहीं के चला हो होली के न्यूज दबा दे सारण में रूपेश कुमार हत्या के उ, हत्या भय रहे इंडिगो के मैनेजर रहा हत्या रहे एक महीना तक चिल्ल मीडिया के रूपेश कुमार को न्याय मिलेगा कि नहीं रूपेश कुमार के न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि वो बड़े लोग थे आज गरीब लोग मरल बा तो मीडिया के मुंह में दम नहीं खे आखिर कैंप ना हुई कहे कैंप ना हुई हम जानते नहीं कि गरीब के न्याय नहीं खे वो कमजोर लोग बड़का लोग के साथ हाथा भल जा बैठ के पचास गो चैनल वाला लोग भाषणित लोग सरकार के जाए तो जा सरकार जाए पक्ष जाए विपक्ष जाए सारा लोग पूछित लोग तो परिवार से पूछे के होने के नहीं हम तो मजबूर बने हम तो छोट लोग बने हमारा गैला ना गैला से का फर्क पड़ेगा मोलायक रहती सबसे पहले घर जाके बैठल रहती निश्चिता जाके बैठल रहती सारण में तीन तीन गो सांसद हेलीकॉप्टर उड़ावता सांसद प्लेन पर प्लेन उड़ा होता सांसद लेकिन वो परिवार से मतलब नहीं के स्विमिंग पूल में नहाता लोग लेकिन वो परिवार से ना भेंट करे तो मेरा क्षेत्र नहीं है मधुबनी मेरा क्षेत्र तो सारण में है अब वोट के दिन हेलीकॉप्टर में उड़ के जाकर मधुबनी में जो कहिएगा कि वोट दीजिए आकर शर्म आ रहा है स्वर्ण समाज के नेताओं पर शर्मा रहा है कि आज, का आप आज आप लोग क्यों खामोश हैं? आज आप लोग क्यों चुप हैं? धन है आप लोग और धन है आप लोग के पूर्वज कि जो आप लोग जैसे औलाद को पैदा किए कि आप लोग किसी लाइक नहीं है अगर आप लोग लाइक रहते तो आप लोग मधुबनी जाते उन लोगों से जाकर मिलते मीडिया चैनल सीबीआई जांच कराते और स्वर्ण के जहां पर हत्याएं हुई है उनको न्याय दिलवाते उनको मुआवजा दिलवाते उन अनाथ बच्चों का सहारा बनते लेकिन आप लोग का कुछ नहीं मैं मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मन में बहुत तकलीफ है चेहरा मेरा देख लीजिए। राजपूतों की हत्या जो हुई है मेरा चेहरा देख लीजिए। आदरणीय नीतीश जी मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं मान सम्मान देता हूं अगर यह लाइफ अगर आपके यहां तक पहुंचे तो उस परिवार से जरूर मिलिएगा और मिलकर जरूर उनको न्याय दिलाने केस कीजिएगा अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो हमको लगेगा कि सभी लोग वोट की राजनीति करते हैं इंसान की राजनीति कोई नहीं करता है जो इंसान की राजनीति करता है वो सदैव आदरणीय है सदैव सदैव जातीय समीकरण के लोग राजनीति करते हैं कि मैं इस जाति से हूं तो मैं उस जाति से हूं लेकिन कोई जाकर यह नहीं कह सकता है कि यहां पर गलत हुआ है तो किसी को दलित का वोट चाहिए तो किसी को जादव का वोट चाहिए तो किसी को मुसलमान का वोट चाहिए किसी को लगे कोई नहीं कह सकता है कि मुझे पूरे समाज का वोट चाहिए समाज का बेटा बनना चाहिए अगर राजपूत का हत्या हुआ है तो जरूरी रही है कि राजपूत के ही नेता जाए सभी जाति के नेताओं को पहुंचकर उस राजपूत परिवार की मदद करना चाहिए आप लोग भी चुप हैं आखिर क्यों हैं आप लोग को चुप्पी क्या कारण है मैं सभी जाति के नेताओं से कहना चाहता हूं कि वहां मधुबनी जाकर उन परिवार से मिले डरपोक हो चुके हैं मानसीन हो चुके हैं मेरी नजर में मेरी नजर में वो राजपूत के नेता जो हैं वो अपने लिए जी रहे हैं अपना स्वार्थ भर रहे हैं अगर वो अपने स्वर्णों के लिए जीते तो निश्चित वो मधुबनी के परिवार के दरवाजे पे होते अगर सचमुच अगर आप लोग मधुबनी की आवाज उठाते हैं मधुबनी की आवाज उठनी चाहिए मधुबनी की आवाज दबिये मत मैं नौजवान साथियों से पूरे बिहार के नौजवान साथियों स्वर्णों से कहूंगा कि भाई हम लोग खामोश नहीं हुआ जाए भले हम लोग पावरफुल नहीं है हम लोग कमजोर हैं लेकिन हम लोग इसका विरोध किया जाए हम लोग अपनी आवाज उठाया जाए आप लोग लाइव आइए हर जगह चिल्लाइए हर जगह चिल्लाइए लेकिन उस हम लोग जब चिल्लाएंगे हर नौजवान साथी जब चिल्लाएगा तो उस परिवार को जरूर न्याय मिलेगा तो मैं बस सारे बिहार के सब स्वर नौजवानों से अपील करूंगा कि उस राजपूत परिवार के लिए आप लोग लाइव जरूर आइए और लाइव आकर अपना अपना बात कही सरकार जागृत हो और सब सरकार जागृत होगी तो उस परिवार को न्याय मिलेगा हम लोग को मांग सिर्फ न्याय से है अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में बिहार में फिर खून कराबा बढ़ेगा फिर सेनाएं बनेगी फिर लोग इकट्ठा होंगे सरकार को वहां न्याय करना चाहिए फिर बिहार पूर्वी तरह का होगा अगर आज छह राजपूतों की हत्या हुई है तो कल फिर कुछ हो सकता है वहां मीडिया को कैम करना चाहिए वहां प्रशासन को लोगों को जाना चाहिए कुछ नहीं कहेंगे बस इतना ही कहेंगे यह आग बुझने मत दो नौजवानों दोस्तों इसको जलने दो इसको और जलाओ अगर यह आग बुझ गया तो मैं बस स्वर्ण नौजवानों से यही कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि आग बुझने मत देना अपने दिल में आग लगा के रखो उन छह राजपूतों की याद करो उन बच्चों का चेहरा देखो वीडियो देखो आप लोग करेजा नहीं डोल गया जब वो छोटे बच्चे रो रहे हैं व्हाइट व्हाइट कलर का उतरी जब पहन रहे हैं राजपूतों की हत्या हुई है दर्द है मेरे मन में और किसी जाति के हत्या होते हैं तो बड़े बड़े नेता अपने अपने जाति के लगे जाते हैं लेकिन वहां क्यों नहीं जाते हैं क्योंकि स्वर्ण यूज हो रहे हैं कोई बीजेपी यूज कर रहा है तो राजद यूज कर रहा है तो कोई यूज कर रहा है हम लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं एक बार इकट्ठा होके अगर हम लोग ताकत दिखा दे तो हम लोग से ज्यादा ताकतवर पूरे बिहार में कोई नहीं है अगर पूरे स्वर्ण इकट्ठा हो जाए तो हम लोग से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है एक बार मैं निहवरा करूंगा कि नौजवान इकट्ठा है बहुत बुरा समय होने आने वाला है मैं जानता हूं मेरे लाइफ में उल्टा सीधा कुछ लोग लिख रहे हैं क्योंकि मेरे में दम है मैं इकट्ठा करूंगा आप चिंता मत करो जब आप लोग इकट्ठा हो तो हम लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे थोड़ा सा इंतजार करो इकट्ठा होंगे यह हत्या बर्दाश्त होने वाली है सभी को इकट्ठा पूरे स्वर्ण को इकट्ठा होकर और हम लोग एक ही सरकार चुने एक ही जगह अपना वोट गिराए तब हमारी बात मानी जाएगी अगर हम लोग बटने लगेंगे कुछ लोग बीजेपी तो कुछ लोग जदयू तो कुछ लोग राजद तो क्या बात चुना जाएगा एक जगह हम लोग सारे स्वर्ण जाकर अपना मतदान करेंगे और सरकार चुनेंगे तो निश्चित है कि हमारी आवाज भी सुनी जाएगी लेकिन हम लोग तो बट गए हैं कुछ लोग इधर तो कुछ लोग उधर है कुछ लोग ऊपर अच्छा ठीक है इधर उधर करने में सब लोग एक एक करके ऊपर जाएगा बस दोस्तों मन बड़ा दुखित था मैं जातीय बातों को लेकर मैं नहीं आया था बस मन में तकलीफ था उन राजपूतों को कोई देखने नहीं गया अदर कास्ट के लोग भी उन लोगों से अदर कास्ट के विधायक एम पी भी जाकर उन लोगों से नहीं मिले हैं कम से कम उन लोगों से मिलकर जाकर कम से कम जांच की मांग करनी चाहिए छ छे, छे बच्चे मर हैं आप लोग वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए बहुत गरीब परिवार है और उसमें एक क्रिकेटर मारा गया है खेल से मैं बिलोंग करता हूँ क्रिकेट मेरा हॉबीज है थोड़ा सा और बुरा लग रहा है एक फौजी भी मारा गया है देश की रक्षा करता था वह भी मारा गया है आप लोगों को जाना चाहिए हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए और लगता है कि मैं सही हूं दोस्तों तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी के पास और बड़े बड़े राजनेताओं के पास पहुंचे हमारी आवाज कि ये लोग जाकर कम से कम उन परिवार को न्याय दिलाए और न्याय नहीं मिलेगा तो मजबूरी में कोई क्या करेगा मजबूरी में कल बिहार में फिर वही बात हुआ आज छह मारे हैं तो कल बारह मारेंगे बारह मारेंगे तो वो अठारह मारेंगे ऐसे शुरू हो, हो जाएगा आज रोकना चाहिए खास करके लोगों को जाना चाहिए बहुत दुखित हूं इस दुख में बस क्या बोलू राजपूत की हत्या कोई नहीं गया है ना सांसद गए ना विधायक गए अड़सठ विधायक राजपूतों के बिहार में हैं बारह से चौदह सांसद हैं कोई मिलने तक नहीं गया है कोई पूछने तक नहीं गया है अदर कास्ट के लोग तो गए ही नहीं है वोट के समय में सभी लोग आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं मैं उस लाइक नहीं हूं मैं बिहार में कोई मैं सारण का एक छोटा मोटा एक युवक हूं मैं हर जगह नहीं पहुंच पाता हूं उस परिवार से हमारी संवेदना है उन बच्चों से अगर मेरी वीडियो उस परिवार को मिले और उस परिवार के लोग मेरा मोबाइल नंबर लेकर हमको कॉल करें, थोड़े मोरे अगर राशि की जरूरत हो तो मैं उस लाइक हूं कि मैं उनकी सहायता कर सकता हूं और मैं फिर आदरणीय नीतीश कुमार जी छोटे भाई तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बाबू आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जरूर वहाँ जाए और जाकर उस परिवार को न्याय दे राजनीति से हटकर उस परिवार को राजनीति दिलाए न्याय दिलाए न्याय उस परिवार को अगर नहीं मिलेगा तो उस मासूम बच्चों का जो भविष्य है वो हमेशा के लिए धरातल से गायब हो जाएगा वहाँ की महिलाएं हैं बच्चिया हैं मैं जब वीडियो देख रहा था बहुत अंदर से तकलीफ हुआ है बिहार का सबसे होली के दिन मातम छा गया उस परिवार में उस गांव में मोहम्मदपुर गांव मधुबनी में और कुछ नहीं कहने के लिए अगर मेरी बात अगर लगता है कि हाँ युवा सुधीर यह जातीय बात करते हैं मैं जातीय बात नहीं कर रहा हूं मैं बस स्वर्णों को बस कह रहा हूं कि बिहार में स्वर्णों की संख्या ऐसी है लेकिन हम लोग इकट्ठा नहीं होते हैं जिस कारण से हम लोग के पास आज कुछ नहीं है हमारे जो लड़के हैं वो नौकरी में भागीदारी नहीं है कहीं कुछ नहीं कर पाते हैं जिसका कारण है वो बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं रोड पे हैं, जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे और इकट्ठा होकर एक, हो एक जगह वोट नहीं गिराएंगे तब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी बड़े पापा पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू की बातें याद आती हैं में आज मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू सांसद होते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका काफिला मधुबनी कब का पहुंच गया रहता और वो जाकर जरूर उस परिवार से मिलते और बेबाक होकर मीडिया से सीबीआई जांच करने के लिए कहते नहीं कुछ स्वार्थी लोगों ने उनको फंसा दिया और फंसा कर जब सांसद और एमपी हो गए हैं तो ना उस परिवार से मिल रहे हैं और ना आवाज उठा रहे हैं अगर मैं अगर मैं राजपूत समाज से लड़का हूं अगर अपने जाति के साथ खड़ा हो रहा हूं सभी लोग अपनी जाति की राजनीति कर रहे हैं, अगर लगता है तो राजपूत की हत्या हुई है अगर मैं खड़ा हो रहा हूं अगर लगता है कि हाँ मैं जातिवाद कर रहा हूं तो उससे मुझे अफसोस नहीं है मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि मैं राजपूत हूं और राजपूत जाति की हत्या हुई है सभी लोग अपने अपने जगह पर अपने अपने समाज की रक्षा के लिए खड़े होते हैं मैं भी अपने समाज की रक्षा के लिए खड़ा हो हू रहा हूं अगर लगता है कि मैं जातिवाद कर रहा हूं अगर लगता है कि हम अगर कुछ भी मैं कर रहा हूं तो मुझे कोई अफसोस नहीं है कोई दुख नहीं है वैसे लोग मेरे आईडी पे कमेंट नहीं करें और मुझे ना कहे कि मैं जातिवाद कर रहा हूं तब सभी के आईडी पे कॉमेंट करना पड़ेगा जो अपने जाति के लिए खड़े होते हैं मैं राजपूत समाज के लिए खड़ा हूं मैं स्वर्णों के लिए खड़ा हूं मैं हाथ जोड़ के फिर विनती करता हूं कि स्वर्णों के नौजवानों से विनती करता हूं कि जरूर आवाज उठाए मधुबनी दबने न दे मधुबनी आग को बुझने न दे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लाइव बातें रहेंगे हम आवाज उठाते रहेंगे नमस्कार दोस्तों फिर टाइम मिलेगा फिर लाइव आएंगे इस पोस्ट को इतना शेयर करें हमारे मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंचे हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी के पास पहुंचे मुझे पूरा उम्मीद है कि मधुबनी के तरफ से ये सारे लोग जाए और अड़सठ विधायकों से भी अनुरोध है सांसद महोदय लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग उस परिवार से जाकर मिले और जाकर वहां पर एक बार वहां की हालत देखे बिहार के डीजीपी साहब से अनुरोध है कि कम से कम न्याय दिल उस परिवार को हमें पूरा उम्मीद है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उनको न्याय जरूर दिलाएंगे शुभरात्रि दोस्तों धन्यवाद संतोष कुमार सिंह थैंक यू भैया रंजन बिट्टू सिंह भारद्वाज भाई, कुंदन राज जी, थैंक यू थैंक यू भाई सुजाता जी थैंक यू बहुत अच्छा सुधीर भैया धन्यवाद रूपेश सिंह जी धन्यवाद नितेश जी क्षत्रिय निशांत जी धन्यवाद भाई राजेश मिश्रा जी विवेक सिंह धन्यवाद विवेक भाई विशाल सिंह राजपूत थैंक यू भाई अजीत कुमार सिंह थैंक्स थैंक्स भाई रवि सिंह लव यू भाई लव यू रॉयल विकास राजपूत धन्यवाद भाई राणू सिंह लव यू लव यू भाई पंकज कुमार यादव धन्यवाद पंकज यादव भाई राजपूत पिट्टू बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा मोहित सिंह राजपूत धन्यवाद लव यू मोहित जय हो भैया जी यू भैया जी अमरजीत सिंह लव यू अमरजीत भाई शेर भाई आयुष राजपूत जय राजपूताना यू लव यू भाई, भाई। राज़पुत। चंदन कुमार सिंह यादव थैंक यू भाई राणा प्रताप सिंह जरूर चला जाए भाई जब आप लोग इच्छा करें जब एक बार कहिए मधुबनी तो हम जाएंगे ही राणा भाई जरूर जाएंगे उस परिवार से बिना मिले सुधीर सिंह को चयन नहीं आने वाला है जुबैर अहमद जी यू भाई भोलू सिंह जी नाइस अमरजीत सिंह भैया अभी लोग चला गया चला जाएगा जरूर चलेंगे अमरजीत जब आप लोग कहिए हम लो तैयार है आयुष राजपूत लव यू भाई राजपूत पवन सिंह हरे पवन सिंह जी लव यू अशोक कुशवाहा थैंक्स भाई आयुष राजपूत लव यू भाई मोहित लव यू सभी दोस्तों को फिर से शुभरात्रि कह है भाई मन में बड़ा दुख हल कुछ थोड़ा तब रौरा लोग भी आवाज उठाई लोग सुधीरे भी ऐसे आवाज ना होला फिर कह तनी पूरा स्वर्ण समाज के लोग आवाज उठाई लोग

फिर मिलेंगे भाई फिर लाइव आएंगे मौका जैसे ही मिलेगा और शेरे बिहार प्रभु सही बात है बड़े पिताजी की कमी खल रही है रव यू ऑल ऑफ यू गुड नाइट भाई अजीत सिंह लव यू लव यू मुन्ना कुमार सिंह थैंक यू भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी भाई लोग मुलाकात हुई लाई बस हमने के चीज आवाज हमारा अकेले उठेला से ना और लोग सब लोग मिलके उठाई लोगी एक बार हमने के आवाज बुलंद कर जाओ सभी स्वर्ण समाज के लड़का लो कहा ना सरकार जाके का है ना सरकार हमने के बात पर लेकिन हमने के इकट्ठा होके अलग अलग रहेम तो निश्चित बटे एक एक करके सजायम सन फिर मुलाकात हुई भाई गुड नाइट रात्रि